हेलो एवरीबॉडी, क्लास सिक्स ग्रेड की वर्कशीट आ गई है। वर्कशीट नंबर 63 है बच्चा ये, और आज हम करने वाले हैं इंग्लिश की वर्कशीट है वनीला की। यहाँ पर एक नेम ऑफ द स्टूडेंट लिखना है। इंग्लिश की वर्कशीट है, सपोज टू डू इट इन इंग्लिश नोटबुक। इंग्लिश की नोटबुक में हम सब करेंगे। स्टूडेंट का नाम लिखेंगे, क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। आगे हम शुरू करते हैं। यहाँ पर एक रेट लिस्ट दी गई है। आइसक्रीम विद सोडा इतने रुपये में आता है, वनीला चॉकलेट स्ट्रॉबेरी लाइम आइस, सिंगल संडे मतलब आइसक्रीम है, हॉट चॉकलेट फर्ज, ट्रिपल संडे, इन सब चीज़ों का प्राइस दिया हुआ है कि कौन सी चीज़ कितने रुपए की आती है। यहाँ पर हर चीज़ का प्राइस दिया गया है। आपको मेन्यू कार्ड दिख रहा है, यू कैन सी द मेन्यू कार्ड। व्हाट डू यू कॉल इट? दिस इज़ कॉल्ड मेन्यू बेटा, दिस इज़ कॉल्ड मेन्यू। क्या कहते हैं इसको? ऐसा जो कार्ड मिलता है आपको कहीं जाते हैं तो, जिसके ऊपर बहुत सारा रेट लिखा होता है और आइटम्स लिखी होती हैं, इसको हम कहते हैं मेन्यू। क्या कहते हैं? मेन्यू। राजन गोज टू अ रेस्टोरेंट, राजन एक रेस्टोरेंट में जाता है बच्चे, टू ऑर्डर ड्रिंक्स फॉर हिमसेल्फ, अपने आप के लिए ड्रिंक्स ऑर्डर करने। ही हैज़ ओनली 50 रुपीज़ विद हिम, उसके पास सिर्फ 50 रुपये हैं। हेल्प हिम चूजिंग द बेवरेज, उसको बेवरेज मतलब पीने की चीज़, ड्रिंक, ड्रिंक पीने के लिए कोई ड्रिंक चाहिए, उसमें चूज़ करना है, उसको चूज़ करवाइए। हेल्प मतलब हेल्प कीजिए, हिम मतलब उसको। लुक एट, देखिए, एट द, लुक के साथ हमेशा एट का यूज़ होता है। लुक एट द मेन्यू कार्ड, मेन्यू कार्ड को देखिए, ये है ना मेन्यू कार्ड। ऑन ऑफ द रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट का, बेस्ड ऑन, इस पर आधारित, ऑन योर रीडिंग, अपनी रीडिंग पर आधारित ऑफ द मेन्यू कार्ड, आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो, इन चीज़ों का जवाब दीजिए। हमें सिर्फ दो इन्फॉर्मेशन मिली हैं बच्चे। हमारे पास एक इन्फॉर्मेशन ये है कि एक बच्चा है जिसका नाम है राजन। क्या नाम है? राजन। एंड हाउ मच मनी डज ही हैव? He has only rupees 50. He has only rupees 50 rupees हैं उसके पास। Which of the following is a beverage? इनमें से कौन सी चीज़ पीने की है? Beverage is something to drink. Beverage is something to drink. तो pizza नहीं है beverage, ice cream भी नहीं है, पीते नहीं हैं, chocolate भी नहीं है, तो क्या है beverage? Tea is a beverage. ठीक है बच्चे, कोई दिक्कत समझने में? Next question. If he has only 50 rupees, then which beverages can he order? चलिए हम देखते हैं हमारे मेन्यू में कि 50 से नीचे क्या क्या ऑर्डर हो सकता है। देखिए, सबसे पहले हो सकता है छाछ। कैन यू सी? यहाँ पर एक छाछ लिखा है विच कॉस्ट ओनली 50 रुपीज़, तो वो छाछ ऑर्डर कर सकता है। हॉट टी, गर्म चाय वो ऑर्डर कर सकता है। आगे क्या ऑर्डर कर सकता है देखिए, और कोई चीज़ वो ऑर्डर नहीं कर सकता है। मिनरल वाटर और ये जो हैं चीज़ें, ये MRP पर हैं, तो हो सकता है इनमें से कोई चीज़ उसके MRP जो लिखा हो उससे कम ड्रिंक पे हो, तो ये दोनों MRP पे हैं। हो सकता है कोई सॉफ्ट ड्रिंक 30 या 40 रुपए की हो सकता है। पानी की बॉटल नॉर्मली 20 रुपए या 15 रुपए की होती है, तो हो सकता है वो भी उसको मिल जाए। तो आप क्या लिखेंगे आंसर में? हॉट टी, पहला आप लिखेंगे हॉट टी। ये देखिए यहाँ लिखा है, लिखिए बच्चे हॉट टी। उसके बाद आप लिखिए छाछ, ये देखिए छाछ, CHACH छाछ लिखेंगे। उसके बाद आप लिख सकते हैं सॉफ्ट ड्रिंक और मिनरल वाटर, दोनों आप लिख सकते हैं। ठीक है बच्चे, चलिए चारों चीज़ें लिख दिया आपने। नेक्स्ट, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ MRP? देखिए हर चीज़ जब आप खरीदने जाते हैं तो आपके पास एक MRP होता है। MRP क्या होता है? मैक्सिमम रिटेल प्राइस। क्या होता है बच्चे? मैक्सिमम रिटेल प्राइस, MRP होता है मैक्सिमम रिटेल प्राइस, यानी कि किसी भी चीज़ की मैक्सिमम कीमत जो होती है उसको हम कहते हैं मैक्सिमम रिटेल प्राइस। कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें। MRP है, MRP मतलब मैक्सिमम रिटेल प्राइस, यानी कि एक दुकानदार सबसे ज़्यादा कीमत जो उस चीज़ की ले सकता है उसे कहते हैं MRP। यानी कि आप किसी दुकान पर गए तो आप MRP से नीचे भी चीज़ खरीद सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वो आपको, आप उसके लिए डिमांड नहीं कर सकते। आप मांग सकते हैं कि MRP से भी सस्ती दे दो भैया, लेकिन अगर वो नहीं देते हैं तो MRP से ज़्यादा तो आपसे कोई नहीं ले सकता है। अगला क्वेश्चन कहता है, कैन अ सेलर, क्या कोई बेचने वाला, कैन आई सेलर, कैन मतलब सकना, सकता है, अ सेलर एक बेचने वाला, सेल थिंग्स चीज़ें बेच सकता है अबाव MRP, MRP से ज़्यादा कॉस्ट पे क्या कोई चीज़ें बेच सकता है? नहीं, नो, नेवर,
एमआरपी से ज़्यादा आपको कभी भी पैसे नहीं देने हैं। आप उसको पुलिस कंप्लेन कर सकते हो, अगर आपने कोई पैकेट ख़रीदा किसी भी चीज़ का और उस पर एमआरपी लिखा है 50 रुपये, और कोई आपसे अगर 60 रुपये मांग रहा है, तो आप पुलिस को फ़ोन कर सकते हैं, आप कोर्ट जा सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन आपको एमआरपी से ज़्यादा पैसे कोई नहीं मांग सकता, ये आपका हक है। If you had to order beverage, what would have you ordered? अगर आपको इसमें से कुछ मंगाना होता तो आप क्या मंगाते बेटा, क्या मंगाते? छाछ ही मंगाते, क्योंकि चाय तो हम लोग पीते नहीं है, बच्चे चाय नहीं पीते हैं, तो हम लोग क्या मंगाते? छाछ ऑर्डर कर देते, और तो कुछ मिल नहीं रहा है 50 रुपये में। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप जो भी लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। टिक द करेक्ट ऑप्शन, फूड सोल्ड बाय, टिक मतलब टिक करिए, करेक्ट मतलब सही, ऑप्शन मतलब जो इनमें से ऑप्शन है, नीचे दिए गए विकल्प हैं उनमें से एक को टिक करिए, सही को टिक करिए। फूड सोल्ड बाय रेस्टोरेंट, खाना जो रेस्टोरेंट बेचता है, विच कैन बी टेकन एंड ईटन समवेयर एल्स, जिसको ले जाया जा सकता है और कहीं और खाया जा सकता है, उसको क्या कहते हैं? अगर कोई रेस्टोरेंट खाना बेच रहा है और वो आपको ले जाकर कहीं और खा सकते हो, तो उसको कहते हैं टेक अवे। क्या कहते हैं बच्चे? टेक अवे, ठीक है। टेक अवे मतलब ले जाओ भाई, अपना ले जाओ, ठीक है। शुड वी बाय आउटसाइड फूड दीज डेज, क्या इन दिनों, शुड मतलब चाहिए, वी बाय हमें ख़रीदना, आउटसाइड मतलब घर बाहर का, फूड मतलब खाना, दीज डेज इन दिनों में, क्या हमें इन दिनों में बाहर का खाना खरीदना चाहिए? बोलो बच्चों, नो, क्या लिखेंगे आप? नो वी शुड नॉट बाय, बी यू वाई बाय, आउटसाइड फूड दीज डेज, ठीक है। वी शुड नॉट बाय आउटसाइड फूड दीज डेज लिखेंगे। वाई नॉट बताइए, Why not? क्यों नहीं बताइए भाई, आजकल क्या फैला हुआ है? कोरोना, तो हम क्या लिखेंगे? This is so, ऐसा इसलिए है, this is so का मतलब होता है ऐसा इसलिए है, ठीक है। आपको कभी भी लिखना हो ऐसा इसलिए है, this is so as the कोरोना इन्फेक्शन, इन्फेक्शन भी नहीं, पैंडमिक लिखो, महामारी है बेटा, कोरोना पैंडमिक इज स्प्रेडिंग, SPREADING, स्प्रेडिंग, SPREADING, स्प्रेडिंग, इसको रब कर दें। दिस इज सो एज द कोरोना पेंडेमिक इज स्प्रेडिंग वेरी फास्ट, वी शुड Avoid everything from outside, हर चीज़ को avoid करना है, बाहर से कोई भी चीज़ आती है तो उसको avoid करना है, ठीक है बच्चे, clear? कोई दिक्कत तो नहीं है। आई होप ये वर्कशीट आपको समझ में आई। सारे क्वेश्चन आंसर आराम से लिखेगा, ऊपर अपना डेट भी लिखेगा, अपनी वर्कशीट कंप्लीट कीजिए। बाय बच्चों।